अस्सलामुअलैकुम। रात के 11:30 बज रहे और अदीप भाई ने मेरे को कहा लेके आ गए। कहा लेके आए अदीप भाई? गजीबो रेस्टोरेंट लेकर आए। यहाँ पर एक बच्ची की बर्थडे पार्टी है तो यहाँ पर हमको फोटोशूट के लिए आए हैं हम। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ काशिफ, होप यू आर गोइंग वेल। और आज डेट है 17th of December 2022 और अभी रात के बज रहे हैं 2:27। और मेरे घर पे कर रहे एडिटिंग घर पे कर रहे हैं। अदीप भाई के पास आया हूँ मैं एडिटिंग करने के लिए। और जैसा कि आपने लास्ट सीन देखा था तो हम एक बर्थडे इवेंट में थे, तो वो था कल समझो रात में 11:30 बजे। अदीप भाई ने अचानक मेरे को बोले, मैं तो सो गया था घर में, भाई का कॉल आया। अच्छा हुआ कैमरा चार्ज था, तो एक बर्थडे इवेंट को हमको कवर करना था, गजीबो रेस्टोरेंट के अंदर था, तो फिर वो हमने पूरा कवर वो कर लिया। उसके बाद आए फिर रात में, रास्ते में चाय ढूंढते आए, चाय मिली नहीं, फिर यहाँ पर रेस्टोरेंट कबाब खाए हमने। फिर रात में 2 बजे हमको शी कबाब मिले, तो शी कबाब खाए हमने। वो भी पुलिस की गाड़ी थी, वो बोल रहा नहीं, बोले नहीं मिलेगा, बोले पुलिस की गाड़ी है, बोले अभी एक आधे घंटे से। हमने बोले ठीक है भाई, आधा घंटे में हम सुबह तक रुकते हैं। बना के दे तो बना कर दिया उसने, बहुत ही अच्छे थे। और ये जो फोटोज़ जो हमने आज क्लिक किए थे जो, तो उसको थोड़ा सा करेक्शंस करना था, उसमें से कुछ फ़ोटोज़ डिलीट करना था, कुछ फ़ोटोज़ रखना था, तो वो डिस्कशन चालू था। और अभी अदीप भाई इसका थोड़ा कलर करेक्शंस करने वाले हैं और सामने वाले को गूगल ड्राइव की लिंक देने वाले, तो ऐसे काम चल रहे हैं हमारे। अब मैं जाऊँगा घर, सो जाऊँगा, फिर डायरेक्ट कल शूट होगा। कल बहुत ज़्यादा हेडेक है मेरे को, सुबह 7:30 बजे से काम है। तो चलो कल सुबह मिलते हैं अदीप भाई। बाय, अल्लाह हाफिज़ बाय। चल, थैंक यू सो मच। आज डेट है 17th of December 2022। तो जैसा कल रात को मैं अदीप भाई के पास से आया तो सो गया था मैं, फिर अभी सुबह मुझे को 8 बजे उठकर जाना था, 7-8 बजे। मैं सोचे जितना जल्दी हो सके उठ जाएंगे, पर 8 बजे का अलार्म लगाया और अभी 9:30 बजे उठा हूँ और अभी निकला हूँ। पहले मैं एक टिकट निकालूंगा, मेरे को एक दो लोकेशन जाना है, पहले एक जगह जाकर फिर वहाँ से दूसरी जगह जाना है। तो पहले टिकट निकाल लेता हूँ और मेरे को भारतीय हॉस्पिटल में भी थोड़ा काम है तो वो कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। साइड गया था, उस साइड बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उन्होंने कहा कि इस साइड मिलेगा बर्थ सर्टिफिकेट। तो चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं। देखो भाई, अभी मैंने कुछ झगड़े देखा एक आंटी के बीच में और एक वहाँ के जो एक वर्कर है उसके बीच में हो रहे थे। तो अभी मैं वो औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल के अंदर, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये नहीं था कि आप लोग को ऐसी नेगेटिविटी या जो कुछ झगड़े वगड़े बताना, पर मेरा बनाने का मकसद ये था कि हर जगह कहीं ना कहीं हमको ऐसे झगड़े देखने को मिलते हैं। और मेरे को वहाँ पर एक चीज़ बहुत फील हुई कि बहुत लोग देख रहे थे, बहुत झगड़े कर रहे थे, बस ये लोग वहाँ पर खड़े रह गए, कुछ बोल रहे नहीं थे, सिर्फ मज़े ले रहे थे उनके झगड़े के। चल जान दो भैया, काम करो तुम, तुम्हारा
स्टॉप, चलो चलो काम करो आगे का, चलो जान दो भैया। अरे भैया भरे हुए चंबू खाली रहते तो और बात है ना, वो सरक जा, अभी मैं लात मारने के बाद कैसे सरक जाता वो हो जाए। कितना टाइम लगेगा अपने को, कितना का लगेगा? मैंने पहले जिनको लेके आया ना, मैं बोला साइड में बैठ जाओ, वो सरक जा रहा, मैं क्या करूँ, उसके अंदर मेरी गलती है क्या? उस दिन खुद मेरे पैर को लग गया था, ये दिख रहा है क्या? लगता ना भैया, लगता मालूम मेरे को। चल जान, बहुत बहुत चलो भैया, बहुत होते रहता है यार, दोनों की गलती रहती बोल के बात आगे बढ़ती है। पहले तुमको बोला बाजू में सरक जाओ, मैं थोड़ी अभी दो दिन वहां पे मशीन सुने नहीं, मशीन नहीं सुने मैं क्या बड़े भैया वहां पे दो दिन बाजू और चल बोल हाथ का है वो तो यार मशीन पैर के का तो क्या करेंगे तुम, बैठो ना वापस से, तुमको थोड़ा बोलो साइड में बैठ जाओ बोल के। हां अरे काम करने वाला इंसान होता है टेंशन में, थके हुआ रहता है। अरे भैया इधर थूका देते ना ये लोग का, कौन ला सिला देले माउसी मी, मी कौन ला सिला देले? हां जल्दी जल्दी ले, चलो मैं हेलो वाले जल्दी चलो जल्दी। अभी हॉस्पिटल में मैं कुछ काम से आया था, तो उसके अंदर भी मेरी कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो उसकी वजह से आज मेरे को बहुत ज़्यादा घूमना पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को पड़ी। जब आप गलत होते हो ना तो बिल्कुल झुक जाना चाहिए, सॉरी बोल देना चाहिए, देख लेना चाहिए, सॉरी बोल के आराम से काम होता ही है। और आपने अभी जो झगड़े देखे, तो ये झगड़े का मेरा मोटिव ये था कि ये मैडम का वो बताने का झगड़े का कि देखो लोग छोटी छोटी बात पे लड़ लेते हैं। क्या हो रहा था कि वो आदमी वो सिलेंडर्स को हमेशा वैसा लिख जाता है। जब मैं इससे पहले घाटी हॉस्पिटल में आता था तो मैं देखता था ये लोग कैसा मेहनत कर रहे, तो ये लोग की भी मजबूरी है। यहाँ पर जब हॉस्पिटल के अंदर जब लोग आते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ मजबूरी रहती है, किसी का कुछ पेन होता है, किसी का कुछ दुखता है, उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप, उसके फ्रेंड्स जो भी है वो लोग आते हैं। तो मैं बोलूँगा कि भाई ऐसे कुछ झगड़े आपको हॉस्पिटल में या पब्लिक प्लेस पर ऐसा कहीं भी देखने को मिले, तो उन लोगों को ऐसा जब झगड़े स्टार्ट होते हैं तो जब भी आपने रोक लेना चाहिए, फिर वो थोड़े बात बढ़ जाती है। अगर एक ने गलती से उसके ऊपर हाथ उठा दिया, फिर उसने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, फिर इसने कॉल किया, उसने कॉल किया, इसको बुलाया और बढ़ते फिर पुलिस कंप्लेन ये वो, तो सुख की ज़िंदगी दुख में डाली जैसी हो जाती है। तो आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, इधर से कट मारने का सोचते हैं, इधर से फिर ये आ जाता है सामने से, फिर भिड़ जाती गाड़ी, फिर उसके अंदर इसकी गलती उसकी गलती, फिर हॉस्पिटल ही आना पड़ता है इन द एंड। तो बोलने का मतलब है कि लाइफ के अंदर आप सेफ्टी से जिए, पॉजिटिविटी रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, लोग आपको पकड़ेंगे, आपकी टांग खींचेंगे, आपको आपका पीछा पकड़ेंगे। आपका काम है कि सिर्फ आपको सब्र करना है, काम रहना है और इन्जॉय करना है, और हर परेशानी में पॉजिटिव मोमेंट ढूंढ के खुशी से रहना है। मेरा बोलने का मोटिव ये है कि आप जिस हाल में भी हो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हाल में हो, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपने सोच लेना कि आपके पास हेल्थ है, हेल्थ इज़ वेल्थ। चलो ठीक है, आज की बात यही ख़त्म करते हैं, अब आगे देखते हैं क्या क्या है। इनके टॉपिक को ज़्यादा अपने को आगे नहीं खींचना है, पर उसमें गलती दोनों की भी थी, और किसकी थी तो ऊपर वाला जानता है, अल्लाह जानता है। तो अपन तो किसी को जज नहीं कर रहे, बस अपन बोल रहे कि लड़ो मत, जान दो, सॉरी बोल दो, बात ख़त्म कर दो, है ना। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मैं अब हूँ और रोज़ाना 8 घंटे सोता हूँ, सबसे बड़ा झूठा है दुनिया का सबसे। बाकी सभी हजरात नीचे रुक जाए, सिर्फ हमारे मेहमान यहाँ पर स्टेज पर मौजूद होंगे, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, औरंगाबाद का जोश और जज्बा नजर आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दरख्वास्त करूंगा जो लोग स्टेज के करीब है प्लीज दूर हो जाएं, प्लीज ऊपर आने की कोशिश ना करें। बिल्कुल बहुत ही खुसूसी तौर से हमने यहाँ अरेंजमेंट किया स्टेज पर, तो स्टेज पर बहुत हमने रिपोर्ट्स देख ली, तो मैं एंटर हुआ कैबिन में, उसके हाथों में मेरा रेज्यूमे था, तो मैंने वालों को देख लिया, वालों को खूब ईमान से नवाजे, खूब कामयाबी से नवाजे, और अपने घर के जितने भी वालिदैन हैं, बुजुर्ग हैं, उनको इस बंदे का सलाम, आपसे गुजारिश कि बस 2 मिनट बैठे, बड़े आलिम दीन बैठे हैं, दुआ करेंगे आप सब लोग, आमीन कहें, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए और वो दुआ की बरकत से सब लोग की बख्शिश हो जाए। 2 मिनट तशरीफ रखे, इंशाल्लाह अच्छी दुआ हो। Assalamualaikum.
Can I be your superhero?